जय नारायण ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन में देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें क्या क्या पढ़ना था, वो चीजें हम लोगों ने उसमें देखा था। तो आपने देखा होगा पहले पार्ट में, जिसने भी नहीं देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन वो जरूर जाके देखे। पहले हम लोगों क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर क्या था जनरल फॉर्म, फिर क्या था सोल्यूशन। तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बेटा सोल्यूशंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सोल्यूशंस। तो हमने आपको उस लेक्चर में बताया था कि चाहे सोल्यूशंस हो, चाहे रूट्स हो, चाहे कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो, इन सब का मतलब हमें क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यदि आपसे पूछ रहा है कि सोल्यूशन फाइंड आउट करो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड आउट करो, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। इन चाहे आप तीन तरीके से बोलो, चाहे आप एक तरीके से बोलो कि बोलो वैल्यू ऑफ एक्स हमें चाहिए। अब सॉल्व करने के कितने मेथड थे, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन मेथड होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होगा और श्रीधराचार मेथड। इन तीन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं आपको जो भी हमारा 5 से 10 मिनट का लेक्चर है उसमें हम बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, श्रीधराचार कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको पता है पहले से, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो बेटा देखो, परफेक्ट स्क्वायर में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए आपको सीधे सीधे आपको ये याद रखना है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बेटा देखो परफेक्ट स्क्वायर ये बहुत आसान सा मेथड्स है, आपको याद रहेगा, इतना आपको याद रहना चाहिए। ये आया कैसे है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, होता कुछ नहीं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आगे चल के हम इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, d। मीन्स d का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे बोलते हैं डी, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा ये फॉर्म आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बी और ए की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। दूसरा श्रीधराचार मेथड्स का जो फॉर्मूला होता है ये भी आपने दिमाग में रखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप बोलोगे सर, सभी लोग बोलोगे कि सर दो वैल्यू होती है एक्स की। हाँ बेटा दो वैल्यू होती है, दो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब बोलोगे सर यहाँ पे कितनी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे भी दो वैल्यू है बेटा, क्यों, स्क्वायर को यदि आप खत्म करोगे इस साइड लाके स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो क्या आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, और एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस लोगे। अब देखो ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इसे बोलते हैं श्रीधराचार मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, कुछ लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सोल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या सीधा चार मेथड बोलो, तो सीधा चार मेथड बोलते हैं बेटा, आप भी सीधा चार मेथड बोल सकते हो उसको। अब बात बचती है फैक्टराइजेशन मेथड, इन सब का जनरेशन यही है फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम सुना होगा, क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, इसको आप ध्यान से लिखो। अब सपोज आप बोलोगे कि सर इसके दो सोल्यूशंस होंगे, यस इसके दो सोल्यूशंस होंगे बेटा, कौन कौन से, मान लेते हैं देर आर टू सोल्यूशंस ना, क्वाड्रेटिक है ना तो दो सोल्यूशन होंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा और बीटा इसके सोल्यूशन। अब ध्यान देना, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और हमने क्या बताया था,
सोल्यूशंस रूट कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड जीरोस, जीरोस को हमने उसी दिन बता दिया था कि यहाँ पे जीरोस भी लिख सकते हो अगर लिखना हो, ये सब सेम होते हैं। अब मैं बोलू सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, इसको हमने क्या बोला बेटा, लेट x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा आर रूट्स ऑफ, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो इसका मतलब ये जीरोस भी है किसके, इस पॉलिनोमियल के, यदि पॉलिनोमियल बनाओगे तो px, px मतलब दिस, तो इसके जीरोस भी है। तो सम ऑफ जीरोस याद करो, सम ऑफ जीरोस नहीं याद है तो देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद रहेगा। देखो बेटा प्लस लिखा माइनस लिखा, तो क्या किया सम ऑफ जीरोस के लिए प्लस माइनस, माइनस ए से डिवाइड कर दिया बी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा प्लस माइनस प्लस सी बाई ए। अब यही आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, मींस दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दो नंबर के पार्ट में ब्रेक कर लो और क्या करोगे लास्ट में जब अल्फा और बीटा निकाल लोगे, यहां से क्या निकालना है अल्फा एंड बीटा, फिर क्या लिख दोगे डायरेक्टली सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा याद मान सकते हो ए, ऐसा कुछ आएगा। तो मीन्स ये काम आप कर सकते थे बेटा, ऐसे होता है अल्फा बीटा, या आप इसको जीरो यदि करते हो तो जीरो ही करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपका मेथड होता है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये सारी चीज आपको आ गई। अब बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, तो बेटा मैं उसको बताने चल रहा हूं, थोड़ी देर बताता हूं। ये आपको समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कुछ नहीं करना बेटा, ए बी एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन दिस, सीधा चार मेथड समझ में आ गया डायरेक्टली फॉर्मूला। अब मैं चल रहा हूं अल्फा माइनस बीटा निकालने, क्या निकालने चल रहा हूं अल्फा माइनस बीटा। बेटा इतना तो आपने कर लिया, तो आपको ये दो याद रहना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूं मिटाने, मिटाने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो मींस मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। तो मींस हमें क्या मिल गया बेटा, यदि आप देखो ध्यान से तो आपको ये मिल गया, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या मिल गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी में पढ़ा है क्लास नाइन्थ में, मुझे याद है आपको याद हो जाना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, क्योंकि हमें अल्फा बीटा निकालना है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दे फटाफट, पुट कर दो बेटा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए, तो मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा ये करेगा इत्मीनान से, जब नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताएगा लिंक में मुझे कि सर ये वाला कैसे आया, मैंने डायरेक्ट किया है। देखो यहाँ बेटा प्लस माइनस दो आ गया, अब आपको दो इक्वेशन दिख रही है बेटा, यदि हम इसको इक्वेशन नंबर वन मान लें और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लें, तो बेटा देखो यदि हमें क्या निकालना है अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन वन क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा क्या है दिस, यदि दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा बाई एडिंग ऑफ दीज टू, बाई एडिंग ऑफ दीज टू, बाई एडिंग ऑफ दीज टू, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट प्लस सेकेंड मीन्स फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, आप इन दोनों को ऐड करिएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा माइनस बीटा, दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऐड कर रहा हूं दोनों को ऐड करिए, प्लस साइन ले लीजिए एक बार, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहली बार हम क्या ले रहे हैं प्लस, तो प्लस ले लिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, टू से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका अल्फा आ गया। यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अभी आपने क्या लिया बेटा, प्लस साइन लिया, माइनस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा बीटा, माइनस साइन लोगे तो क्या आ जाएगा बीटा। अब ये मत सोचना कि बीटा और अल्फा उल्टा आगे, भाई बीटा ये भी हो सकता है अल्फा ये भी हो सकता है, तो ये कैसे होगा जब प्लस माइनस साइन आप चेंज करोगे बेटा। यदि प्लस माइनस साइन लेके करोगे तो आपको दो रूट्स मिलेगा, पहले अल्फा मिल गया फिर बीटा मिलेगा। बीटा क्या होगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना आराम से, क्यों 10 मिनट का लेक्चर है, 10 से 15 मिनट का, उसको मैं बिल्कुल इतना बता रहा हूं कि आपके लिए सफिशियंट है समझना। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, व्हाट इज द बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये दोनों आ गया बेटा। अब ध्यान देना, आपको अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया, क्या मिला आप ध्यान से देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस दोनों को कंबाइन कर दे एक साथ, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू थी ना ये, एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा, तो ये नहीं मिल जाएगा सीधा चांद मेथड। बेटा देखो सारे पॉइंट्स को कंबाइन करो अपने दिमाग में, एक बार देखो दोबारा देखो दोबारा देखो, तीसरी बार तो कंफर्म है आपके दिमाग में पूरा एकदम। बेटा कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ में आ गया फिर आपको कुछ करना नहीं, तो ये आपका पूरा मेथड है अल्फा और बीटा। तो आपने अल्फा कैसे निकाल लिया इस फॉर्मूले से, कितने फॉर्मूले आपने यूज किए, देखो बेटा ये डेरिवेशंस होते हैं अब आप समझते हो। अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन करूंगा तीनों मेथड से, तो आप फटाफट देखो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द यूज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड बाय द यूज ऑफ डिनोमिनेटर। तो मींस मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे और पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करोगे। चलो बेटा चलते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे बेटा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है, इसका सोल्यूशंस निकालना है। तो मेथड तो कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फिर परफेक्ट स्क्वायर, फिर सीधा चार। यदि फैक्टराइज हो जाए तो अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन में कुछ रूल नहीं होता बेटा, यहां पे कितना है वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वन इंटू सिक्स, वन इंटू सिक्स सिक्स, तो सिक्स के लिए क्या करो आप ऐसे कर लो। आपको पता है ये कितने नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का, कितने नंबर प्रोडक्ट है दो नंबर का, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको प्रोडक्ट करो टू इंटू थ्री, थ्री इंटू वन। यदि आप देखो तो टू प्लस थ्री फाइव होगा, टू इंटू थ्री सिक्स होगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइव मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। मीन्स यदि आप ध्यान से देखो तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, बिल्कुल आप अपने दिमाग से सोचो इसके रूट्स क्या होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मींस यदि आप बिल्कुल केयर करो तो यहाँ पे क्या है बेटा, बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, टू थ्री या माइनस टू या माइनस थ्री, कैसे पता चलेगा आपको। तो मीन्स आप बोल सकते हो सर यहां से देखो, ऐसे आप देख सकते हो, बिल्कुल मैं आपको डेरिवेशंस एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करके दे रहा हूं, उसमें आपको समझना नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस फाइव, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा देखो, प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सिक्स, दो नंबर का प्रोडक्ट सिक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और दो नंबर का सम क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मीन्स अल्फा क्या होना चाहिए समझो, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, क्या दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, नहीं, दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, नहीं, दोनों निगेटिव पॉसिबल है, यस, क्यों, दोनों निगेटिव से माइनस फाइव हो। बेटा ये मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन, मैं फटाफट भी कर सकता था इसको,
लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ डिटेल में इसको, आप इसको डिटेल में समझो जिससे आप 50 क्वेश्चन आराम से करो इसको देखने के बाद। अब आपको लग गया अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो डायरेक्ट कर लेते। बेटा डायरेक्ट तो हम भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम नहीं लिख सकते हैं क्या? बस लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना वो कभी आपको समझ में आगे नहीं मिलता। अब आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ गया कि हमने ये कैसे किया। अब देखो निगेटिव होगा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -3 एंड -2, दिस इज अ रूट्स, दिस इज अ रूट्स, दिस इज अ सॉल्यूशंस, दिस इज अ कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज अ जीरोस। मतलब जो भी नाम लू मैं, इसके कई नाम हैं, बोलोगे सर जीरोस रूट सॉल्यूशन जो बोलना है बोलो आप इसको। अब बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे होगा, उसे भी देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे होगा। तो सबसे पहले बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड करने से पहले इससे कंपेयर करो इसको। तो आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड सेम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 6। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6 है। इतना क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं करना बेटा, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। बिल्कुल आसान सा मेथड, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, अभी याद कर लो। चले आ गया, तो मींस आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी पुट करें वैल्यू फटाफट, ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू क्या है 5, सी इज इक्वल टू क्या है 6। यहां पे पुट करो एक्स प्लस 5/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, ए कितना है बेटा 1, सी कितना है 6 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। देखो एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 बेटा देखो बिल्कुल ये कितना बेटा 4 है, 1/4 इंटू 1 स्क्वायर, तो मींस कितना आ गया बेटा 1/4। तो इसको स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हो सब लोग, देखो मैं ऊपर कर रहा हूं। तो एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। बिल्कुल समझ में आया, एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अब बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। देखो मैं लिख रहा हूं, एक बार पॉजिटिव तो एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, तो व्हाट इज द एक्स, व्हाट इज द एक्स माइनस 2। सेकेंड थिंग इज निगेटिव, एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1/2, व्हाट इज दिस -3, दिस इज अ सॉल्यूशन। बेटा देखो -3 और -2 यहां आया था, -2 -3 आया। बेटा एक बार आपने किससे किया फैक्टराइजेशन किया, एक बार किसे किया आपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर है ही कुछ नहीं, बी बाई टू ए को एड करना होता है, बी बाई टू ए के होल स्क्वायर को एड करना होता है, बी बाई टू ए के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। उसको सब्ट्रैक्ट करके जब सॉल्व करते हो तो ये स्टेप आता है बीच में, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने में ज्यादा फायदेमंद होगा, क्यों हम इतना करें काम धाम। तो ये एक्स की परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपका हो गया, एक्स इक्वल टू -2 एक्स इक्वल -3। अब बोलोगे सर सीधा चार मेथड यूज कर ले, बिल्कुल बेटा कर लेते हैं। देखो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू, इसके लिए भी आपको यही करना है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू बी कितना है -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी कितना है बेटा 5, तो बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 6, पुट करो बेटा सबको मल्टीप्लाई करो, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, तो एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1/2।
व्हाट इज द आंसर? एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस वन बाई टू। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो जब प्लस लोगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस टू। जब माइनस लोगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री। बताओ बेटा, तीनों जगह से सेम आंसर आया। अब कौन सा मेथड आसान है ये आप खुद देख सकते हो, कौन सा मेथड आसान पड़ेगा, कौन सा मेथड टफ पड़ेगा ये आप खुद देख सकते हो। फटाफट दो तीन इक्वेशन हम और कर लेते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो फटाफट हम कर लेते हैं, तो ये आपको हो गया। सभी लोग इसको पीछे रिवाइंड कर करके देखो, बैक जा जाके देखो बेटा। इतने 20 मिनट भी नहीं दोगे आप सोल्यूशंस को तो फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम रहेगी। कुछ भी नहीं करना था इन सब में। अब देखो मैं फटाफट दो चार क्वेश्चन आपके लिए करके दे रहा हूं कैसे करते हैं। देखो पहले तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन जब ना हो, ध्यान दो इस नोट को, अपने नोट कर लो, नोट कर लो इसको दिमाग में। व्हेन फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, व्हेन फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो क्या करेंगे बेटा? श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे बेटा। जब फैक्टराइजेशन जब तक पॉसिबल है तब तक हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। इसको अपने दिमाग में रख लो, इसको नोट कर लो। सपोज मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर कैसे करोगे? आपको क्या निकालना है? सोल्यूशंस निकालना है। क्या निकालना है? सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशंस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब रूट्स, रूट्स मतलब कटिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सबका मतलब एक ही है। क्या करोगे फटाफट? फैक्टराइजेशन। देखो दिख रहा है 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, तो मीन्स एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? माइनस 5 माइनस 2। कैसे किया? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पॉसिबल था तो हमने कर दिया। अब सपोज मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? चेक करो। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड। सोल्यूशन निकालने के लिए कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य मेथड। तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? या तो श्रीधराचार्य करना या तो परफेक्ट स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे। तो a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? 4। c की वैल्यू है 1। तो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर श्रीधराचार्य मेथड में? माइनस 4। क्या था सोल्यूशन? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये फार्मूला अपने दिमाग में याद कर लो, इसे आना ही चाहिए आपको। अब यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू पुट करो माइनस बी मतलब माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है? 1। c की वैल्यू कितनी है? 1। पुट कर दो, सॉल्व करो, तो क्या आ गया? x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 4 टू रूट 3/2। देखो बेटा बिल्कुल एकदम, 12 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा रूट 3। ये सब काम आप कर सकते हो। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। अब इसके कितने रूट्स आएंगे बेटा? दो रूट्स ना, एक रूट हो गया माइनस 2 कॉमा प्लस रूट 3, दूसरा होगा माइनस 2 माइनस रूट 3। ये दोनों रूट्स आ गए। अब बताओ बेटा यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या यूज कर लिया? श्रीधराचार्य मेथड। कोई बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बीसी का तो भाई है, तो परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। कब करोगे? बिल्कुल दिमाग में रखो, जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा तब श्रीधराचार्य मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड करोगे। ओके, या तो आपसे बोला जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो बेटा सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखो, दोबारा जरूर समझ में आएगा, 100% गारंटेड है। जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।